So hello everyone and a very good evening to all of you and welcome back to the channel. So as you all know, ASRB का जो exam है वो postpone हो चुका है and we do not have any dates कि वो कब होंगे exam. तो हमने कुछ time पहले polity के कुछ session शुरू करे थे but unfortunately वो मुझे बीच में रोकना पड़ गया था because of other commitments. But now I am back. अब हम फिर से उस polity के sessions को, अब क्योंकि हमारे पास time भी है because हमें नहीं पता कि exam कब होगा कब नहीं होगा, तो पॉलिटी के जो एमसीक्यूज है हम फिर से डिस्कस करेंगे. एंड अगेन जो एमसीक्यूज होंगे दैट विल बी गाइस टॉपिक वाइज होंगे. इससे पहले हमने तीन सेशंस करे थे, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो. पूरा का पूरा पॉलिटी मैं इन सेशंस के थ्रू आपको कवर करा दूंगा. पहले दो सेशंस हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लाइक कौन कौन से एक्ट्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे आए थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा था हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ा था, चार्टर एक्ट्स पढ़े थे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हमने देखे थे. उसके बाद जो तीसरा सेशन था उसमें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल देखा था. आज के सेशन में हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू. एंड ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड दो सेशंस होंगे, फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यूज के दो सेशंस होंगे इन टुडे सेशन. टुडे सेशन विल बी द पार्ट वन एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस पार्ट टू. ओके, एंड हर वीक एक सेशन होगा. एंड ऑफ कोर्स During these sessions, I will not tell you only the answers of the question. I will definitely explain you each and everything. All right, so let's begin with the session, guys. But before we begin, if you are coming here for the first time, do subscribe to the channel and press this bell icon. You can also join this Telegram group. Here you will get the PDF of this session, and you can also ask any doubt here. So let's move ahead to the very first question. This question, guys, is very easy, but I have taken this because it is. At the same time, it is very important. Which of the following parts of the Constitution of India is described as Magna Carta of India? So, इसका आंसर आप सबको पता है, but most of you, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ना पता हो कि Magna Carta का मतलब क्या होता है. Magna Carta word कहाँ से आया? So, remember guys, in the year 1215, एक King John हुआ करते थे इंग्लैंड के King थे जिनका नाम था King John. इन्होंने एक रॉयल चार्टर डिक्लेयर किया था, इन्होंने एक रॉयल चार्टर बनाया था. एंड दैट रॉयल चार्टर वॉज द वेरी फर्स्ट चार्टर टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सिविल राइट्स टू द सिटीजंस. ओके, एंड दिस रॉयल चार्टर वॉज नेम्ड एज मैग्ना कार्टा. और इसका नाम क्या था? मैग्ना कार्टा. सो क्योंकि ये सबसे पहला चार्टर था जो कि फंडामेंटल राइट्स या सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज की बात करता था, तो इसीलिए अब जितने भी जो ऐसे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है. एंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बिकॉज इट गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजंस एज वेल एज सम फंडामेंटल राइट्स टू द फॉरेनर्स आल्सो. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन ए, पार्ट थ्री. पार्ट थ्री इसका सही जवाब है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. एंड ये वाली चीज याद रखना, इससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे why this is known as Magna Carta. Moving ahead to question number 2. As per Article 13 of the Constitution of India, a law becomes invalid only to the extent up to which it is inconsistent with the fundamental rights and the rest of the law will stand. Which of the following doctrines correctly describes the above mentioned statement? See, Article 13 क्या होता है? आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है स्टेट की. आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ, अगर ऐसा कोई लॉ बनाया गया है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, देन दैट लॉ विल स्टैंड इनवैलिड. वो जो लॉ होगा वो कैसा होगा? इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 13. लेकिन आर्टिकल 13 में ही एक बात और कही गई है कि भाई अगर कोई लॉ बना है तो उस पूरे लॉ को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, उस पूरे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करने की देयर इज नो नीड. That part of the law which is inconsistent with the fundamental right will be declared invalid while the rest part of the law will work as it is. Baki jo part hoga law ka wo aise hi kaam karta rahega. Okay, and this doctrine guys remember is known as doctrine of severability. This doctrine is known as what? Doctrine of severability. Jisme kya hota hai ki agar ek law hai uska ek certain part hai jo ki fundamental rights se inconsistent hai to us part ko hum invalid declare kar dete hain. Supreme Court, hum nahi, Supreme Court karta of course, aur baki jo hoga ya High Court bhi kar sakta hai, aur jo baki part hai wo as it is rahega. Theek hai, jo baki doctrines hai unki bhi baat kar lete hain. Doctrine of pith and substance kya hota hai? It arises whenever there is a conflict between the two subjects from different list. So let us say we have two list, union list and state list.
दो लिस्ट है हमारे पास, यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, एंड इसमें कोई मैटर है ए सब्जेक्ट मैटर है, उसका कोई सब्जेक्ट मैटर है बी, एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ए एंड बी देन द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कम इन टू फोर्स. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी जहाँ पे कोर्ट, जिस भी कोर्ट में अपील फाइल हुई है अगेंस्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि ये ए वाला सब्जेक्ट मैटर ज्यादा वैलिड है या बी वाला सब्जेक्ट मैटर ज्यादा वैलिड है. ओके, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. देन वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. एनीथिंग विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन बी डन इनडायरेक्टली. इसका मतलब ये होता है, एनीथिंग विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन बी डन इनडायरेक्टली इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. अब इसका मतलब क्या है? सो व्हेनेवर देयर इज अ सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द पावर टू मेक एनी लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर डायरेक्टली, सो इन दैट केस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या करते हैं, ये दूसरा रास्ता चुनते हैं, यानी नाक को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं. ठीक है, सो दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. देन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वेरी इजी, दैट वन द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन सेज दैट देयर शुड बी वाइल मेकिंग एनी लॉ देयर शुड बी हारमोनी अमंग ऑल द लिस्ट प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कितने लिस्ट है? तीन है, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट. तो जब भी कोई लॉ बनेगा तो इन तीनों को के आपस में हारमोनी होनी चाहिए. ऑलराइट, सो हियर द करेक्ट आंसर गाइस इज ऑप्शन ई. मूविंग अहेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लॉ मेंशन इन आर्टिकल 14. सो आर्टिकल 14 व्हाट सेज, what it says, equality before law, everyone is equal before law in the country, but there are certain exceptions. Let's talk about those exceptions. Article 361 is one of the exception. What is Article 361 then? The president or the governor of any state is not liable, is not answerable for his or her exercise of his function. अपने functions को जो exercise वो कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो he is not answerable to any court. Okay, and no criminal proceeding can also be instituted against the president और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, यू नो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती. आर्टिकल 361. सिमिलरली वी हैव आर्टिकल 361A. ये क्या होता है? दिस इज अगेन नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन प्रिंटिंग और यू नो पब्लिशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट ऑफ एनी सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब अगर मैं हूँ पार्लियामेंट में या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में होने वाले किसी भी प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग मैंने अगर कोई सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट अगर छापी है, पब्लिश की है, तो मेरे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती. ऑलराइट, आर्टिकल 105, जो एमपी होते हैं पार्लियामेंट में अगर वो कुछ भी कह रहे हैं या कुछ भी वोट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ वो आंसरेबल नहीं होंगे टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर दैट वोट एंड फॉर दैट स्पीच. ओके, अब ऑब्वियसली स्पीच में ये नहीं है कि कुछ भी जाके बक दें, ठीक है, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर बोलना है. सेम आर्टिकल 194 फॉर द MLAs इन द स्टेट लेजिस्लेचर. आर्टिकल 31C, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. आर्टिकल 31C की स्टोरी को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन द कोर्स. अगर आप एनरोल स्टूडेंट है तो आपने देख लिया होगा, नहीं है तो अगर आपको उसके लिए कोर्स खरीदना होगा. आर्टिकल 31C, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हेनेवर आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट. आर्टिकल 31C जब भी आता है तो आर्टिकल 14 बाहर जाता है. इसका मतलब क्या है? अगर भारत सरकार अंडर आर्टिकल 31C, सॉरी अंडर आर्टिकल 39B, अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C ऑफ द DPSP, ये दोनों आर्टिकल 39B और 39C DPSP के हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर इन दोनों के अंदर कोई भी लॉ बनाया जाता है, so that law cannot be challenged on the ground of violation of article 14. article 14 के violation के लिए के against अगर कोई भी law यहाँ इन दोनों के अंदर बनता है 39B और 39C के अंदर, so that law cannot be challenged on the ground of violation of article 14, and this is being said in article 31C. all right, so इसकी एक बहुत detailed story है guys, अभी हम नहीं पढ़ेंगे because That way the session would be too long और जो session का objective है वो भी defeat हो जाएगा. So article 74 guys, here is the correct answer because it is not one of those article. And article 74 says that there shall be a council of minister to aid with the head as the prime minister to aid and advise the president. Okay, so article 74 is not one among them, is not an exception to the rule of law mentioned in article 14.
Through which of the following amendment act provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for SCs, STs with respect to their admissions in any institution, whether public or private, was added in Article 15. Basically, इतनी लंबी बात, इतनी लंबी चौड़ी का जो बात का मतलब है सिर्फ इतना ही है, जो कॉलेजेस में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट है. दिस अमेंडमेंट गाइस वाज 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स. 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के बाद इस प्रोविजन को जोड़ा गया था. एंड ऑफकोर्स यू ऑल मस्ट रिमेंबर दैट 103rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद 10% maximum 10% reservation was provided to economically weaker section also, and that was all also added in the article 15. Okay, so here the correct answer is option A. Moving ahead, how much percent reservation was added for the advancement of any economically weaker section of the society? अभी मैंने बताया आपको through 103rd amendment act of 2019. So कितना ले सकते हैं? Maximum 10%. So option D, maximum 10% guys will be the correct answer to this question. I hope. This is a guys very easy, बहुत recently ये news में भी था. Question number 6. Which of the following articles abolishes untouchability and its practice in any form? Very direct question. इसमें कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए and there is no need of explanation here. Just remember that untouchability is nowhere mentioned in the constitution. Untouchability constitution में mentioned नहीं है. And untouchability को खत्म करता है कौन? Article number 17 of the constitution of India. It abolishes any kind of untouchability and any kind of related practice in any form. So option C is the correct answer. Article 19 of the Constitution of India provides 6 rights to freedom. Which of the following is not one among them? 6 rights to freedom हमें मिलते हैं. Article 19 is what? Freedom, right to freedom. तो उसमें 6 rights हैं हमारे पास. पहले 7 थे, ठीक है? Right to property was repealed. Right to property was repealed. I hope you all know this. Right to property was repealed by 44th Amendment Act of 1978. ठीक है? तो अब 6 बचे हैं. तो 6 कौन से? उनमें से 6 में से एक कौन सा नहीं है? Freedom of speech and expression is there. Form association or unions or cooperative societies is there. Move freely throughout the territory of India. It is also there. Assemble peacefully and without arms. This is also correct. अब यहाँ freedom of speech and expression का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री को या प्रधान राष्ट्रपति को या किसी भी एक्सवाइजेड पर्सन को खड़े होकर गाली दे दो. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये नहीं है कि तुम कुछ भी बक दोगे तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरी, तो ऐसा नहीं होता. ऑलराइट, एंड अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, एज आई टोल्ड इट वॉज रिपील्ड. सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एंड वॉट आर दी अदर टू? वॉट आर दी अदर टू? टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, नंबर 5, एंड नंबर 6 to profess any profession, any practice. All right, so option E here is the correct answer. Which of the following rights is not a part of Article 21? Very interesting question, and this can be tackled logically. यहाँ पे आप logically answer कर सकते हो. देखो, right to privacy तो आपको चाहिए चाहिए. Right to go abroad, अगर आप बाहर जा रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको. That is also a right to liberty. Article 21 क्या होता है? Right to life and liberty, of course. Right to shelter. ठीक है भाई, बहुत. राइट अगेंस्ट हैंगिंग. अब यहां पे एक वर्ड है जो कि इस ऑप्शन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता है. द राइट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 21 इज राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग. राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग. अब जैसे मान लो कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, कोई हीनियस क्राइम कर दिया, और मैं जाके राष्ट्रपति से बोलूंगा भाई आर्टिकल 21 में राइट अगेंस्ट हैंगिंग है तो मेरे को फांसी नहीं होगी. राइट अगेंस्ट हैंगिंग नहीं है, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग है. Alright, so option D will be the correct answer. And doctor's assistant of course is there. ठीक है, वो तो भाई life का part है. Option D will be the correct answer. Question number 9. Which of the following statements is incorrect with respect to Article 23? So what is Article 23? It prohibits traffic in human beings and beggar. Beggar means forced labor. Alright. And this article, remember guys, is available to both citizens and non-citizens of the in the country. It prohibits traffic in human beings and beggar. Yes, this right is available to citizens only. Is that so? No, it is available to both citizens and non-citizens. It protects not only against the state but also against the private individual. मतलब अगर कोई private individual भी किसी के साथ forced, किसी को forced labor करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो this article protects from that also.
स्टेट इज परमिटेड टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर विच इट इज नॉट बाउंड टू पे. स्टेट लगा सकता है फॉर इन द नेशन इंटरेस्ट. ऑल आर करेक्ट नहीं होगा. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है. एंड क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, विच इज द लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन. सो आर्टिकल 25 टू 28 गारंटीज द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम. ठीक है, राइट टू रिलीजन है बेसिकली. और 25 से लेकर 28 के आर्टिकल में जनरली गाइस कंफ्यूजन रहती है. सो फॉर रिमूविंग दैट कंफ्यूजन यू कैन डू वन थिंग. यू कैन लर्न द कीवर्ड्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द आर्टिकल. जैसे मैंने क्या करा है कि इसमें मैंने ये टैक्स वाली चीज याद कर ली. टैक्स वाला वर्ड एक ही में है एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 27. सो दिस सिमिलरली यू कैन डू विद अदर आर्टिकल्स ऑफ 25, 26, 27, 28 एंड 25 टू 28. 29 तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है. ऑलराइट, सो ऑप्शन सी गाइस विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. एंड दैट्स इट फॉर द सेशन गाइस. एंड इफ यू वांट टू बाय द कोर्सेस यू कैन विजिट टू courses.anujanthan.in. देयर यू कैन अवेल द कोर्सेस. एसआरबी एंड एओ का भी है, एफ एंड एओ का भी है. टीयर वन का अलग से है, टीयर टू का है, दोनों कंबाइंड भी है. सो यू कैन विजिट टू courses.anujanthan.in फॉर बाय दिस कोर्सेस. एंड दैट्स इट फॉर द सेशन गाइज. आई होप ऑल द क्वेश्चन आर क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.